सोलन के माल रोड पर पंजाबी महासभा ने गरीबों और जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए। इस मौके पर पंजाबी महासभा द्वारा बकायदा स्टॉल लगाया गया, जहां पर कपड़ों को फैला दिया गया। जरूरतमंद लोगों ने अपनी मर्जी के कपड़ों को चुना और देखते ही देखते सभी ने निशुल्क गर्म कपड़े हासिल कर लिए। अपनी मर्जी के कपड़े पाकर जरूरतमंद बेहद खुश नजर आए और निशुल्क कपड़े पाकर उनके चेहरों पर अनमोल मुस्कान भी देखने को मिली। पंजाबी महासभा के मीडिया प्रभारी विक्रम बेदी ने बताया कि कुछ दिन से कम कंपाने वाली ठंड पड़ रही थी, तो उसके सदस्यों ने महसूस किया कि गरीब असहाय लोगों पर ठंड कहर ढा रही है, इसलिए सभी ने फैसला लिया कि वे अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से कपड़े एकत्रित करेंगे और स्टॉल लगाकर निःशुल्क वितरित करेंगे। उन्होंने सभी सोलन वासियों से अपील की कि वे अपने छोटे कपड़े हो जाने पर उन्हें यूं ना फेंके, लेकिन अगर वे एकत्रित होकर जरूरतमंदों को दे तो जरूरतमंद को फायदा होगा और इससे लोगों की मदद भी हो सकेगी। पंजाबी महासभा सोलन की तरफ से सोलन माल रोड पर हमने सभी साथियों ने जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म कपड़े, औरतों के लिए, बच्चों के लिए जरूरी कपड़े हमने एकत्रित किए हैं। पिछले दो तीन दिनों से काफ़ी ठंड हिमाचल के अंदर, जैसा कि आप सब जानते हैं, बढ़ गई है, तो सभी साथियों ने विचार बनाया क्यों ना हम जरूरतमंद लोगों की, गरीब लोगों की हम सहायता करें किसी ना किसी प्रकार से। तो सभी साथियों ने, कुछ लोग अपने घर से, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से, जिसको जिस तरह से एकत्रित हो पाए, हमने गर्म कपड़े बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज के लिए इकट्ठे करे हैं। सभी लोगों से, सभी साथियों से निवेदन करते हैं, आप लोग भी इसी तरह सर्दियों का ये जो समय है, जरूरतमंद लोगों की सहायता करके किसी भी प्रकार से आप लोग मनाएं। धन्यवाद।